एक इन्होंने कहा कि हमने 6% के ऊपर हम थे लोड शेडिंग में और हमने 75% से ज्यादा एरिया को लोड शेड फ्री कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि जिन एरियाज को उन्होंने लोड शेडिंग फ्री कर दिया है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा बेचारों की, जिनके पास 9 घंटे 7.5 घंटे 6 घंटे 3 घंटे की लाइट जाती है, उसमें से भी कुछ चीजें एक्सक्लूसिव है। और एक्सक्लूसिव क्या है? गर्मी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसी से भी पूछ लें, आप खुद जाके मॉनिटरिंग करें, आपके इंस्पेक्टर देख चुके हैं 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब पारा आता है तो इन तमाम एरियाज में जिनको ये कहते हैं लोड शेडिंग फ्री है, लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है। कभी ये मैसेज भेजते हैं और कभी बगैर मैसेज के बंद कर देते हैं। ये मैं बिल्कुल जो है वो ऐसी बात कर रहा हूं जो पूरे कराची में आप जाके मालूम कर सकते हैं। दूसरी एक्सक्लूसिव जो इनके इसमें जिसमें ये फ्री कर चुके हैं वो है बारिश। बारिश के लिए 5 फीट के पानी की जरूरत नहीं है, 15 साल में सारी बारिशें जैसी नहीं होती है, यकीन करें बारिश का पहला कतरा गिरने पर ये बंद कर देते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी सेफ्टी का मसला है? उसमें सेफ्टी का मसला आप कहते हैं कि हमारे कमरे है जिसमें आपने प्रॉपर अर्थिंग नहीं की हो, जब अर्थिंग के लिए आपको फोर्स किया कोर्ट ने और नेप्रा ने, तो आपने जो है वो 3-3 4-4 कंबों को एक साथ जो है वो मैं इसकी टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहता, ये आपको मालूम है। तीसरी बात आ जाएगी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का एक सर्टेन लेवल आता है, कराची जाहिर है कराची के लिए आप काम कर रहे हैं ना, कराची में तो ह्यूमिडिटी बड़ी हुई होती है, जब ह्यूमिडिटी का एक सर्टेन लेवल आता है उसके अंदर भी लोड शेडिंग उन एरिया में भी शुरू हो जाती है। चौथी चीज है, जब ये कुछ भी नहीं होता ना तो ये मैसेज भेजते हैं कि मेंटेनेंस शटडाउन कर रहे हैं। पांचवी चीज सर्दियां है, मुझे आप लगा है सर्दियों में जो लोड है वो तो खैर आधा तो नहीं होता, तो जितने भी परसेंट हो जाता है इनके मुताबिक उन सर्दियों के अंदर की लोड शेडिंग क्यों होगी? इसलिए कि कहते हैं कि हमारे पास गैस का प्रेशर नहीं, गैस का प्रेशर नहीं होगा तो ऑयल पे प्लांट नहीं चलाएंगे, हालांकि आपके पास लोड नहीं है उतना आप ऑयल पे प्लांट चलाइए, आपको एनटीडीसी से 800-900 मेगावाट मिल रहा है, आपके ऑयल के प्लांट मौजूद हैं, लेकिन आप सिर्फ गैस के प्रेशर की वजह से सर्दियों में भी बंद कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि साल के कौन कितने दिन ऐसे हैं जिसमें आप लोड शेड फ्री करते हैं कराची के उन एरियाज को जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि आप कर चुके हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो बेचारे जब लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होता है तो 9 घंटे वाले की 12 घंटे हो जाती है, 15 घंटे हो जाती है, और 3 घंटे वाले की 10-10 घंटे 11-11 घंटे हो जाती है। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं नेप्रा ऑनरेबल आपके चेयरमैन साहब से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये बताते हैं ना वही हमारा डेटा होता है। अभी तक आपको हमें कम से कम ये एक्सेस हासिल नहीं है, आपको पता नहीं है कि नहीं है, वो है तो बता दीजिएगा कि ये बता सके कि सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। जो ये बताते हैं 3500 मेगावाट हम मान लेते हैं, जब ये बताते हैं 2300 मेगावाट हम मान लेते हैं। हमारे पास आज तक 15 साल की इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके बकौल की है, आज तक ये हमें वो सिस्टम नहीं दे सके जिसमें आप भी पता कर सकें कि इस वक्त हमारी डिमांड कराची की कितनी है और कितनी इनकी सप्लाई है, तो ये खुद एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लेकिन दूसरी डिस्कॉर्स में और इनमें फर्क यह है कि ये प्रॉफिट कमाते हैं, ये कंपनी है, वो गवर्नमेंट है। हम 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट को दे रही थी 2005 में केएससी को, जब इनके पास आ गया है तो आप ये बता सकता है कोई कि कितनी सब्सिडी लेते हैं? 75 बिलियन रुपीज, 90 बिलियन रुपीज। ठीक है, ये फिर इनको इनकी मर्जी के टैरिफ मिलते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है ना वो टैरिफ इनकी मर्जी का नहीं मिला, उसी का तो डिफरेंस मिलता है। फिर इनको 3 साल या 5 साल के लिए तय हुआ था कि एनटीडीसी से आप लेंगे, उसके बाद अपनी जनरेशन करेंगे 1300 मेगावाट में से। नेप्रा की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने नेट 350 मेगावाट का इजाफा किया था 10 साल के अंदर। और अब जब भी इनसे बात करो, ये आगे की बात करते हैं, बिनकासिम 1 के 3 और 4 नंबर यूनिट के बारे में हमेशा इन्होंने हमें बताते रहे कई बरस तक कि इसको कोल पे शिफ्ट कर रहे हैं, कोल पर। उस वक्त ये बात उठाई गई कि इन खराब यूनिट्स को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम कर देंगे कर देंगे। एक सुहानी सुबह हमको पता चला कि ये कोल वाले जो है अबेंडन कर दिए गए और अब जो है एक नया 900 मेगावाट की बात ये करते हैं। और जब भी इनसे पूछा जाएगा अगले 2 साल की बात बताते, 2 साल में ठीक हो जाएगा सर प्लीज। अच्छा मैं ना देखें इसमें ना इतनी सारी बातें होती हैं, जब आप मुझे कहते हैं ना कि रुक जाओ तो फिर रह जाता है, ये पूरी पूरी रिपोर्ट्स मौजूद है, हमने आया के आगे बोले आगे आपको सुनने के लिए आया। अच्छा चलिए, तो आपने बड़ी अच्छी बात की। ठीक है, ये हो गई लोड शेडिंग की बात। अब मुझे बताइए कि इन्होंने क्लॉबैक के पैसे हमें वापस क्यों नहीं किए? ये अगर इतनी अच्छी कंपनी है और इतना सार्फिन का ख्याल रखते हैं तो अब वो रकम तो मेरा ख्याल है कुछ 40 अरब रुपए बन चुकी हो, 42 अरब रुपए बन चुकी है। ये पैसे कराची के शहरियों को वापस क्यों नहीं कर रहे? इतने अर्से तक इन्होंने जो डबल बैंक चार्जेस ले रहे थे और बिलाकर ये फैसला हुआ कि वापस करेंगे, अब तक वो पैसे इन्होंने वापस नहीं किए। ठीक है, इन्होंने पूरे पैसे वापस नहीं किए। ये मीटर रेंट के पैसे हमसे चार्ज करते रहे, उसको उन्होंने कितना एडजस्ट किया ये भी देखने की जरूरत है। इनके पास मुझे आप बताइए चेयरमैन साहब ओवर बिलिंग ये करते हैं, हमारे पास केसेस आते हैं और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि
जुल्म करते हैं, ये लोगों की जाली वीडियोस बना लेते हैं और उसके बाद फिर ये तीन तीन चार चार पांच पांच लाख रुपए के बिल भेजते हैं। इनके किसी आईबीसी में बिल को कम करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं होगी, कहता मैं डिस्ट करूंगा, मैं कम नहीं करूंगा। ये आम बात है, आप पूरे शहर में जाकर पूछ लीजिए। धक्के खाते हैं लोग, इन्होंने अपने आईबीसी को, मैं मानता हूं इन्होंने अपने आईबीसी का जो तरीका है ना, मतलब जो उसकी बिल्डिंग है और जो उसके कीप टॉप है उसको बनाया है, उससे ये हैबतकारी करते हैं कि जैसे हमने बहुत जबरदस्त कंपनी बना दी है, उसके ये सीमे और आज की ये सीमे क्या फर्क है इनकी, मुझे आप ये बताइए कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो इनकी कॉल रिसीव हो जाती है। सर ये तो चेंज हो रहा है सर, डायरेक्शन ही पूरी अभी बात कर रहे थे। नहीं नहीं सर, आप लोग आकर बोलेंगे ना, ये चाहते ये इंटरप्ट हो जाए और ये हेरिंग खत्म हो, हेरिंग खत्म ही होनी चाहिए, आप लोग सुनते हैं सर जी। आप मुझे बताइए आईबीसी आप सब लोग कैंडल से बात सुने, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी। देखिए पहली बात तो ये कि हम आपके मेहमान बात है, इनकी वोटों की किसी सूरत अब बनती नहीं है। मैं आपको आईबीसी का बता रहा था, इनके आईबीसी में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। देखिए ओवरबिलिंग के केसेस में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इनके मीटर के बारे में हमें बता सके कि टेस्ट चल रहा है कि कम। इन्हीं का इंस्पेक्टर, इन्हीं के लोग बताते हैं कि मीटर सही है और इनका मीटर गलत है, तो ये तो वैसे भी ठीक बात नहीं है, पता होना चाहिए। जो इंस्पेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से थे हैं वो भी जो है वो आपको बताया बिल्कुल तकरीबन अब वो खत्म हो गया सिलसिला। फिर यहाँ पर कितने लोग, अब हमारे ऑफिस में हमने एक सिस्टम बनाया, मैं आपको सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पता चले। लोग आते हैं कहते हैं यार इतना बिल आ गया, आप यकीन करें हम कहते हैं अगर देखो तुम बेईमानी करके आए हो तो हम तुम्हें एंटरटेन नहीं करेंगे। जब हमें यकीन होता है जितना हम जान सकते हैं तो फिर उसके बाद हम इनको एंटरटेन करते हैं, हम इनको नेपरा में भेजते हैं, इनकी एप्लीकेशन लोगों की लिखते हैं। यानी इनके किसी आईबीसी में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, नेपरा जाना पड़ता है। अब मुझे बताया कराची में नेपरा का एक ऑफिस कितने लोगों को अटेंड कर सकता है, 36 लाख सारे की है। आप ठीक है ना, हमें हुक्म करें अगर आपको लगेगा कि हमारा ऑफिस सफिशिएंट नहीं है, नंबर बढ़ा देंगे। सर हमारी तो डिमांड में बात शामिल थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कंप्लेंट ही ना हो, आप नंबर बढ़ा रहे हैं। लेकिन बात सुने, ये तो डाइकोटमी हो जाएगी कि हम अपनी बात को यहाँ पे अगर बढ़ा रहे हैं। आपने पूछा तो हमने बताया, हमारी कोशिश पूरी जो है प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, ना आपकी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स आए। अगर लेकिन आप इसकी भी करना करें, अगर आपको सर्विस नेपाल, मुझे पहली बात बड़ी खुशी है सुन के हुई कि आपने कम से कम ये कहा कि नेपाल अभी जब ये बारिशों वाला हुआ था, हमने अपने वीकेंड्स पे ये कंज्यूमर अफेयर्स को अहमद साहब पर लीड करते हैं, हमने वीकेंड्स पे अपने ऑफिस खोले और माशाल्लाह हमारे पास कोई 800 कुछ मेरे पास गवर्नर का खत आया था और उन्होंने मुझे कहा उसी वक्त हमने वहाँ से इस्लामाबाद से भी लोग भेजे, उसको अपनी स्ट्रेंथ को बीफअप किया, वीकेंड्स पे खोला और अलहमदिल्ला मोर देन 900 समथिंग एप्लीकेशन आई थी वो हमने 2-3 वीकेंड्स लगा के और पूरा दिन रात लगा के उनको क्लियर किया। मैं इसमें रिक्वेस्ट ये जरूर करना चाहूंगा, अब भी और जब इंशाल्लाह चले जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो उस पर भी जो है वो मैं चाहता हूँ वो नहीं, और ऐसे तो जाना भी नहीं चाहिए, पिछले पैसे लेकर जाए हमारे ऐसा नहीं बातें लेंगे पैसे वसूल के बगल नहीं जाने देना। मैं कर रहा हूँ काफी बातें हो गई, नहीं वो तो दूसरी बात है, सियासी मूड में आ रहे हैं। अगर मसला ही सियासत का है मैं आपको बताऊँ, मैं आपको यकीन करें यकीन करें सियासत आपका एक्सक्लूसिविटी के वाले से है तो मैं एक जुमले के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्सक्लूसिविटी खत्म होनी चाहिए। अदरवाइज हमारी प्ली है और हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन मौजूद है कि इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इनकी जितनी लाइबिलिटीज है वो हमें मिलनी चाहिए। और ठीक है मैं आपको चलें जी नेक्स्ट जो है